तो आज संत रविदास जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष श्री राम खेलावन जी, श्री संतोष कुमार कोविंद जी, श्री राम खेलावन गौतम जी, वीरेंद्र कुमार जी, जियालाल कुरील जी, बसंतलाल जी, चंद्रशेखर जी, मास्टर हीरालाल जी, श्रीमती रेखा कुरील जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के यहाँ के सदस्य सरदार परमेंद्र सिंह जी, संत रविदास सेवा समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी। आज उनकी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले आप सबको संत रविदास जी की इस पावन जयंती यानी माघी पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का ये पावन दिवस हम सबको अनेक प्रकार की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। महत्व इस बात का नहीं है कि व्यक्ति का जन्म कितने बड़े घर में हुआ है। अटल जी ने जो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है और आदमी सिर्फ आदमी होता है। यह भाव आज हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। मैं जब भी काशी जाता हूं तो मुझे संत रविदास जी के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग वहां पे संत रविदास जी के पावन जो जन्मस्थली है वहां पर सुंदरीकरण के बहुत बड़े कार्य को आगे बढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्य को हम आगे कर रहे हैं, लेकिन हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कैसे इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे व्यक्ति महानता हासिल करता है। भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्य माना है और उसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति है संत रविदास जी। हम सब जानते हैं कि जब नित्य प्रति संत रविदास जी गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे, एक बार उनके सहयोगी संत ने कहा कि चलिए स्नान करने के लिए चलते हैं। तो संत रविदास जी ने उससे कहा कि भाई देखो, मुझे आज समय नहीं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम आ गया है,